हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीप फर्श में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी खतरनाक साइंस फिक्शन मूवी के बारे में जिसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग को घुमाकर रख देंगे, जिसके अंदर आपको हाई लेवल का VFX और कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा। और सब भी मूवीज एक से बढ़कर एक है। ये हमारी साइंस फिक्शन मूवी का पार्ट टू है। इस सीरीज के पार्ट वन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, स्काईफाई मूवी की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, सिर्फ एक सेकंड ही लगेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारी पहली मूवी है इन टाइम। इस मूवी को 2011 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर कहानी सेट है फ्यूचर में, जहां पर पूरी दुनिया की करेंसी है टाइम और वहां के अमीर लोगों के पास हजारों सालों की जिंदगी है। मूवी फोकस करती है विल नाम के एक बंदे पर जो काटो शहर में रहता है और वहां के लोग बहुत ही गरीब है। इन सबके पास ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे का टाइम होता है। इन सबको मजदूरी करके टाइम खरीदना पड़ता है ताकि उनकी जिंदगी खत्म ना हो। ऐसे में विल को एक हेनरी नाम का बंदा 116 सालों की जिंदगी दे देता है, मतलब कि वो अब 116 सालों तक जिंदा रह सकता है। लेकिन विल पर उसी की मौत का इल्जाम लगता है। तो आखिर तक कहानी में क्या कुछ होता है, आप इस मूवी के अंदर ही देखिएगा। भाई, बहुत ही कमाल की मूवी है ये, जिसका कॉन्सेप्ट एकदम ही नेक्स्ट लेवल है। आप स्क्रीन से एकदम चिपक जाओगे, ये तो पक्का ही है। इस मूवी को आप यूट्यूब पर हिंदी में भी देख सकते हैं और मूवी का IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है बॉस लेवल। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई रॉय नाम के एक बंदे की, जो एक एक्स सोल्जर है। एक दिन वो एक नेवर एंडिंग टाइम लूप में फंस जाता है और रोज उसको कोई ना कोई मार देता है और उसको अपनी मौत का दिन बार बार जीना पड़ रहा है। ऐसे में कुछ खतरनाक लोग हैं जो उसके बेटे को भी मारना चाहते हैं। तो ऐसे में रोय अपने हथियारों को कैसे पकड़ता है और अपने बेटे को कैसे बचाता है, आप इस मूवी के अंदर ही देखिएगा। इस मूवी का प्लस पॉइंट है इसके कूल एक्शन सीक्वेंसेस, जो देखकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आप इस मूवी को देखते हुए कहीं पर भी बोर नहीं फील करोगे। इस मूवी को आप जियो सिनेमा पर हिंदी में भी देख सकते हैं और मूवी को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है नो वन विल सेव यू। इस मूवी को 2023 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक लड़की की, जिसकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल चल रही होती है। उसके पास्ट में काफी खतरनाक चीजें हुई है, लेकिन एक दिन इसके घर में एक एलियन घुस जाता है। फिर आगे क्या होता है, ये आप इस मूवी के अंदर ही देखिएगा। मूवी का मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक देखने लायक मूवी है। मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता। इस मूवी का देखते हुए आप ऐसे खो जाओगे कि आप इसकी तारीफ करते नहीं थकोगे। मूवी इंग्लिश में है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मूवी में डायलॉग ना के बराबर है। इस मूवी को आप फैमिली के साथ भी देख सकोगे। ये कमाल की स्काईफाई थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को आप डिज्नी प्लस पर देख सकते हैं और मूवी को IMDb पर 6.3 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है 2067। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई हमारी पृथ्वी की, जहाँ पर धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रही है और यूज करने के काबिल नहीं है। ऐसे में सब लोग सिंथेटिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक CTO नाम की कंपनी प्रोवाइड करती है। लेकिन उस सिंथेटिक ऑक्सीजन के कुछ साइड इफेक्ट भी है, जिसकी वजह से हमारा हीरो इथन की बीवी मरने वाली है। ऐसे में उस कंपनी को फ्यूचर से कुछ मैसेज आता है और वो इथन को वहाँ पर भेजते हैं, ये बोल के कि वो इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। तो इथन जब फ्यूचर में पहुंचता है, उसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है, ये आप इस मूवी के अंदर ही देखेगा। भाई, इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और VFX आपको बहुत ही पसंद आएगी। इस मूवी का प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं और मूवी का IMDb पर 4.9 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है सेल्फलेस। इस मूवी को 2015 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है एक बूढ़े आदमी की, जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर है और एक बहुत ही भयानक बीमारी के कारण जल्द ही मरने वाला है। लेकिन वो अपनी कॉन्शियसनेस को एक जवान आदमी की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर लेता है। बाद में वो उसी आदमी की बॉडी के अंदर अपना सारा जीवन बिताता है। लेकिन एक दिन वो अपनी दवाई लेना भूल जाता है और उसके बाद उसको अजीबोगरीब विजन आने लगते हैं। उसको जिसकी बॉडी में ट्रांसफर किया गया है, उसकी फैमिली उसको दिखने लगती है। तो आगे कहानी में क्या क्या ट्विस्ट आता है, आप इस मूवी के अंदर ही देखिएगा। इस मूवी का एक्शन स्टोरी और थ्रिल मोमेंट एकदम ही बेस्ट है। मूवी आपको एंड तक एंगेज करके रखेगी। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और मूवी को IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है सरोगेट्स। इस मूवी को 2009 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है फ्यूचर की, जहाँ पर इंसान खुद के जैसे दिखने वाले रोबोट से अपना सारा काम करवाते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ रिस्क पर नहीं डालना चाहते। बार कोई भी एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ तो रोबोट डैमेज होगे, लेकिन उस इंसान को कुछ भी नहीं होगा और वो उन रोबोट को अपने दिमाग से कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कुछ खतरनाक लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो इंसान के रोबोट को मार देते हैं और साथ में जो इंसान उसको ऑपरेट करता है उसकी भी ब्रेन हेमरेज से मौत हो जाती है, क्योंकि वो इंसान और रोबोट माइंड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो आखिर ये कौन कर रहा है, आप इस मूवी के अंदर ही देखिएगा।
ये मूवी इतनी कंफ्यूजिंग और माइंड बेंडिंग है कि आपको अपना पूरा दिमाग लगाकर इसको देखना होगा। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और मूवी को IMDb पर 6.3 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है प्रीडेटर्स। इस मूवी को 2010 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई कुछ इंसानों की जिसको प्रीडेटर्स अपने ग्रह में ले जाते हैं और वहाँ पर उनका शिकार करते हैं। ऐसे में इंसान वहाँ पर कैसे सर्वाइव करता है, क्या प्रीडेटर्स उसको मार देंगे या इंसान प्रीडेटर्स को मार देंगे, ये आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये एक मस्ट वॉच एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसके जो विजुअल एक्शन और स्टोरी है वो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। मूवी में भरपूर एक्शन और खून खराबा दिखाए गए है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और मूवी को IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है चैपी। इस मूवी को 2015 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई हमारी दुनिया की, जहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस के साथ साथ रोबोट भी काम करते हैं ताकि लड़ाई में गोलियां खानी हो तो रोबोट खा सके और पुलिस वालों की जान बच सके। ऐसे ही एक लड़ाई के दौरान कुछ क्रिमिनल्स रोबोट को चुरा लेते हैं और उसको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन उस रोबोट के अंदर इंसानों जैसे इमोशन आ जाते हैं और वो सब कुछ फील करने लगता है। तो ऐसे में कुछ खतरनाक लोग हैं जो उसके पीछे पड़ जाते हैं ताकि उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। तो ऐसे में आगे कहानी में क्या कुछ होता है ये आप इस मूवी के अंदर ही देखिएगा। मूवी बहुत ही अच्छी है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और मूवी को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है I Am Number 4। इस मूवी को 2011 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई जॉन नाम के एक लड़के की, जो दूसरे प्लेनेट से पृथ्वी पर आया है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसके पास कुछ सुपर नेचुरल एबिलिटीज है जिसकी वजह से उसके पीछे कुछ खतरनाक इंटरगैलेक्टिक किलर्स पड़े हुए जो कि इसको मारना चाहते हैं, लेकिन इसको सीक्वेंस से ही मारा जा सकता है, जैसे कि 1, 2, 3 और 4। इनमें से किलर्स ने 1, 2, 3 नंबर वाले लोगों को मार दिया है जिसके पास सुपर पावर थी, और अब बारी है नंबर 4 की। तो क्या नंबर 4 अपनी जान बचा पाएगा या नहीं, ये आपको इस मूवी के अंदर ही देखना है। इस मूवी को आप डिज्नी प्लस पर देख सकते हैं और मूवी को IMDb पर 6.1 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी लास्ट और फाइनल मूवी है चिल्ड्रन ऑफ मैन। इस मूवी को 2006 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है 2027 की, जहाँ पर धरती पर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है जिसकी वजह से औरतें बच्चे पैदा नहीं कर सकती। उनकी फर्टिलिटी की कैपेसिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से इंसान इंडस्ट्रियल पृथ्वी से लगभग कुछ सालों में खत्म होने ही वाली है। यहाँ पर कोई नया बच्चा पैदा नहीं हो रहा और लोग एक के बाद एक मर रहे हैं। ऐसे में हमारे हीरो को एक औरत को बचाने की जिम्मेदारी मिलती है जो कि प्रेग्नेंट है, और वो पूरी दुनिया में एक ही ऐसी औरत है जो प्रेग्नेंट हो सकती है। ऐसे में कुछ खतरनाक लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो औरत जिंदा रहे। तो इस औरत को बचाने के लिए हमारा हीरो क्या क्या करता है ये आप इस मूवी के अंदर ही देखिएगा। इस मूवी को आप प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं और मूवी को IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दीपर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस की लिस्ट लाते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।